के अंदर हमने बाइक की स्प्लेंडर की पिछली गरारी जोड़ी है जो बड़ी होती है, और आगे रिक्शे की ही गरारी है लेकिन डबल करके जोड़ के बनाई है, और बाइक की चेन को जोड़ के इसको चला के देखते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस देती है। चल तो रहा है रिक्शा लेकिन बहुत टाइट चल रहा है, अगर दूर जाना होगा तो बहुत मेहनत होगी इसको चलाने में। तो अब इस गरारी को निकाल करके हम इसके अंदर आगे छोटी गरारी को सेट करेंगे, रिक्शे की अगली गरारी को निकाल करके बाइक की स्प्लेंडर की आगे की छोटी गरारी जो होती है चैन की वो लगा के फिर चेक करेंगे कि कैसी चलती है। इसमें चाल तो सही है लेकिन टाइट बहुत चल रहा है, ताकत बहुत लग रही है इसको चलाने में। हो गया गरारी चेक। ये हमारे भैया हैं जो बाहर कंट्री में वेल्डिंग करते थे, इन्हीं से मैं वेल्डिंग करा रहा हूँ। इस टाइम ये छुट्टियों पे आए हुए हैं, करंट को ही लगाएंगे, इस साइड में करंट को ही सेट करेंगे। दोस्तों मैंने आज इसमें लोडिंग के हिसाब से बाइक की गरारी लगाई है आगे की और पीछे की, और बाइक की चेन सेट किया है। अब इस लोडिंग के हिसाब से देखो इसका कितना परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस होता है। ये कम से कम 700 किलो का रिक्शा है, इसको मैं चला के देखता हूँ। चलने में तो बहुत स्मूथ है लेकिन स्पीड बिल्कुल जीरो है। इस हिसाब से तो मेरे को दुकान पे काफी समय लगेगा पहुँचने के लिए।